वापस, तू जो मर्जी कर ले, लेकिन तुझे ये वाला काम अगर तूने करा लिया तो इस घर के अंदर ना घुस मत जाइयो। सही, आपकी कसम दीदी, मैं तो बात भी नहीं करती। मैं तेरे से बात नहीं करूंगी, ध्यान रखना इस बात का। अरे ये बताओ, मैं सही लग रही हूँ? वहाँ ना बहुत स्मार्ट स्मार्ट लड़कियाँ। मैंने जो कहना था मुझे, मैंने कह दिया। मैं तुझे आके भाई ना सबके सामने मारूंगी तुझे। नंबर दे गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, अपने घर में खुश होंगे और अपनी मम्मी पापा को खुश रख रहे होंगे। सो गाइज, आज मैं पहली बार ये करने जा रही हूँ अपने वीडियो में। आप लोगों ने मुझे सजेशन दिया, बट मेरे को ऐसा लगता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है प्रैंक करना अपने घर वालों पे, क्योंकि मेरे घर वाले ऐसे हैं, आपको नहीं पता। अगर मैंने ये बोल दिया ना प्रैंक प्रैंक में, मम्मी मेरी आंख फोड़ दी गुनगुन ने। मम्मी बिना मेरी आंख को देखे उसको मारना स्टार्ट कर देगी। मेरी मम्मी बहुत खतरनाक है ऐसी चीजों में, उनके साथ कोई इंसान प्रैंक नहीं कर सकता। बट स्टिल यार, अब आप लोग भी इतने सारे कॉमेंट्स करते हो कि आप प्रैंक करो और ये करो वो करो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आई शुड ट्राई। एक ही बार सही, बट मुझे ट्राई करना चाहिए। ये मैं अपनी औकात में रह के छोटी सी चीज का प्रैंक करूंगी। मेरी मम्मी को क्या हो रहा है, आजकल मेरे से कुछ ज्यादा ही सड़ी रह गई है। तो मैंने ये सोचा कि आज जो मैं प्रैंक करूंगी वो प्रैंक होगा कि जैसे लड़कियां लिप सर्जरी नहीं करवा लेती, लिप सर्जरी का प्रैंक करूंगी। लिप सर्जरी करवा के नहीं होंगी, मुझे ये सारी चीजें पसंद नहीं है। चोचलापन मतलब मेरे होंठ काले हैं पर फिर भी सही है, इतने भी बेकार नहीं। अगर वो मैंने करवा ली वो तो बहुत ही गंदे लगेंगे। पहले तो मम्मा को मैं ये बोलूंगी कि मैं लिप सर्जरी करवाने जा रही हूँ। बट उसके बाद करवा के आ जाऊंगी और तब उनके रिएक्शन देखूंगी कैसे होते हैं, और गुनगुन के भी और पापा के भी। सो स्टे क्यूट और देखना। बता दो भैया आपको, तो आपको आज इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? मेरे ऊपर आ रहा है क्या? काम कर आज आपको, आज मुश्किल में क्यों घूम रही हो? आपको काम करना पड़ रहा है इसीलिए ना। हट ना, बोलो फिर क्या दिक्कत है? काम पड़ा है बहुत। ठीक है जाओ, और इनको ना थोड़ा मोटा करके आऊ, होटो को थोड़ा सा मोटा करके, और उनपे फिर लिप के लाइनर वाइनर करके और करके आऊ। मतलब ऐसा लगना चाहिए कि मैंने लिप सर्जरी और इसमें इंजेक्शन लगवाए हैं। फिर को डर भी लग रहा है क्योंकि हमारे घर में ऐसा नहीं चलता। अच्छा ये करा ली, चल ठीक है। मेरी मम्मी बीच में से काट देती बिल्कुल, और बैट इतना गंदा मारती आंख वाख सुजा देती है। तो भैया मेरे को डर लग रहा है, अगर मैं पिटी तो तुम सबको नहीं छोड़ूंगी। पतंगे आप क्या कर रहे हो? फोन पे भी बात करेगी और नहीं कहेगी करेगी तो नहीं रखी हुई। एक बार पूछे उन्होंने तो पापा कहो मैं यहाँ हूँ, कहेंगे एक बार वो रखना सामान वो थोड़ा सा जाकर कर देना। तो उस दिन गिर गया था हाथ उठ लगे तुम लोग तीन बस दिन ने बच्चे पता बात किया। ये तो कुल्लो पे कहाँ लगी है, तो गाल पे लगी। मम्मा ने अभी बनाई है। कौन सी मम्मी, कौन सी आज रोटी बनाई आपने? देखो मम्मी और मुझे अच्छी नहीं लगी। आप मेरे घर में ना एक्सपेरिमेंट मत करते रहा करो, मुझे नॉर्मल वाली रोटी पसंद है। बहुत हेल्दी होती है ये। खिलाना एक बाइट। क्या ये चबनी रही? वैसे तो नहीं है जैसे चने की होती है, घोड़े थोड़ी चने चने जैसी है, पर ये चबनी रही। इसको खाने के लिए आरी की जरूरत पड़ेगी। क्या बता दिया? क्या बताओ तो सही, क्या बोल के आ रहे हो? तो मम्मी मैं कभी लाइफ में अपना कोई डिसीजन नहीं लूंगी, कि मेरे को भी तो एक बारी करके देखना है मैं कैसी लगूंगी कैसी नहीं। इसीलिए तो तैयार हो रही हूँ फालतू में। तो डिसीजन लेगी तो हमारे सर पे चढ़ के लेगी डिसीजन, ये फालतू के काम करेगी। मम्मी यार प्लीज, अगर अच्छा नहीं लगा मुझे मैं थोड़े से करवा के देखूंगी, अगर अच्छा नहीं लगा मैं नहीं आऊंगी फिर, मतलब नहीं करवाऊंगी फिर, उनको रुकवा दूंगी। क्या मेरे को करवाना है मम्मी यार, ऐसा मत करो। ये काम मेरे घर में नहीं चलेगा, ध्यान रखना। अगर यहाँ पे आना है ना तो ठीक ठाक आई हो, अगर तू यहाँ होट वोट का कुछ करा के आई ना तो ना। मम्मी मेरे होट बहुत पतले हैं, मेरे को मोटे करवाने हैं इनको। पतले नहीं है ये, जैसे इनसे काम चला रहे, इतने छोले भटूरे के पहले से ही है। मम्मी मैं भी मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं तेरा फोन वोन तोड़ दूंगी, बता रही हूँ मैं तुझे। मम्मा मेरे को लिप्स भी कराने, वो लड़की उसने भी करवा रखी है यार, उसके होंठ कितने अच्छे लगते हैं ऐसे। वो अच्छे लगते हैं। मम्मी किसी की बेइज्जती मत कर। हाँ वापस, तू जो मर्जी कर ले, लेकिन तुझे ये वाला काम अगर तूने करा लिया तो इस घर के अंदर घुस मत जाइयो। सही, आपकी कसम दीदी, मैं तो बात भी नहीं करती। मैं तेरे से बात नहीं करूंगी, ध्यान रखना इस बात का। मम्मा मैं ऐसे मत करो, मम्मी मुझे प्लीज करवाना। उन्होंने दिमाग के अंदर रख लिया इस बात को, अगर तूने आज ये हरकत कर दी ना। आई लैशेस तो लगवा सकती हूँ, मैं तो जाऊंगी और मैं आज और आपकी कसम मैं जा भी रही हूँ। और किस लिए हुई हूँ? तैयार हो रही है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं चलेगा। लाइफ में कोई डिसीजन नहीं ले पाऊंगी। काम करके आएगी आज,
तो यहाँ मत आना। ये सब काम, ये सब मम्मी मैं कोई लड़के छेड़ के आ रही हूँ क्या? मम्मी तो यार मेरे को ऐसे होट अच्छे नहीं लगते, सब मेरे को कहते कि कितने पतले से लिप्स हैं तेरे, मुझे नहीं पसंद ऐसे कॉम्प्लीमेंट। नीचे लटका पड़ा है, गंदे होट है तेरे ये। मम्मी नीचे कहाँ लटका पड़ा है, ऐसे जमीन पे लटक गया, ढूंढ रही हूँ मैं कहाँ गया है मेरे होट। मम्मी मेरे को तो करवाना है मम्मी, ये बताओ मैं सही लग रही हूँ वहाँ ना? बहुत स्मार्ट स्मार्ट लड़कियाँ होती है। मैंने कहना था मुझे, मैंने कह दिया मैं तुझे आके भाई ना सबके सामने मारूंगी। इधर देख मैं अभी जाती हूँ, मैं एक बार डिसीजन लूंगी वहां जाके, मुझे और लोगों के देख के मुझे कराना है या नहीं कराना। अगर मुझे और लोगों का गंदा लगा मैं नहीं कराऊंगी। मुझे आप मुंह देख के लग रही है आप करा सकती हो। क्या बोलते हैं होठ की वो क्या मोटे हो जाएंगे बस होठ, मोटे पतले होठ आते हैं। मुझे कुछ नहीं पता। ए ए डोरेमोन एक मिनट मेरी चॉकलेट छोड़ो। चॉकलेट की बात मत कर मम्मी यार, चॉकलेट मम्मी यार आप तो चोर नहीं हो यार। मम्मी मम्मी चॉकलेट मम्मी ऐसे कौन करते, किसकी माया करती है? मम्मी इधर सुनो, मम्मी सुनो मैं कर मम्मी यार मत करो मम्मी। आपको मुंह देख देख के गंदा आए कर रही थी, तेरी शक्ल सो घुसने नहीं दूंगी यहाँ पे। कह रही सोंगी नहीं तेरे पास। मम्मी आप मजाक में ले रहे हो, अभी इधर देखो आप हथ हथ इसलिए बोल रहे हो, मैं सच्ची करवा के आ गई आप फिर रोगी। मैं तुझे इसलिए बता रही हूँ मेरा मूड देख ले तू। आपका मूड अभी तो मजाक वाला हो रहा है, अभी तो आप हंसने को हो रही हो। हंसने की मैं बच्चों इतना डरा के आगे टॉर्चर कर रही आप मुझे। टॉर्चर नहीं कर रही, बता के भेजी फोन कर रही पहले। मम्मी मैं तो चाहूंगी फोन पर जाना यहाँ पे। आप लोगों को ये वीडियो दिखाने का रीजन सिर्फ इतना है क्योंकि मैं आप लोगों को एज अ फैमिली मानती हूँ और मैं जो भी चीज कराती हूँ चाहे नेल एक्सटेंशन चाहे कुछ भी, ये तुझे बताएंगे तेरे कमेंट में लिखेंगे ऐसे भटूरे जैसे होट लेके घूम रही है। मैं तो कहती हूँ तुझे पता चले तभी। मम्मी नहीं तो गाइस आपको पता है चुहारे लगे भटूरे लगे चाहे छोले लगे मेरे होट है ना, कोई बात नहीं। इन्होंने मुझे सजेस्ट किया है, इन्होंने मेरे को बोला सुंदर सुंदर पूछेगा नहीं कोई, मेरे को कोई पूछेगा नहीं पूछेगा वो मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबल है। अभी भी मुझे कौन सा कौन ही पूछ रहा है, तभी भी नहीं पूछेगी नहीं पूछेंगे। तो गाइस मैं आपको सारी चीजें बताती हूँ, मैं आईफोन खरीद रही हूँ, मैं ये खरीद रही हूँ वो खरीद रही हूँ। तो आज मैं लिप सर्जरी करवाने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा सर्जरी को ठीक है गाइस मैं आपको पूरा व्लॉग दिखाऊंगी कि मैं कैसे जा रही हूँ, कब जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। सो लेट्स गो मम्मी बाय कर दो जल्दी, सच्ची बोल रही हूँ एक बारी करो तो सही। मम्मी प्लीज ना यार, आप जा मेरे से मत पूछ। अच्छा ठीक है एक बारी आईज का करवा के आऊंगी, लिप्स पे नहीं करवा के आ रही। अब जल्दी बोलो क्यों करवाना है? मम्मी यार करवाना है यार, मम्मी अच्छा लगता है यार, रोज अच्छी है। रोज मस्कारा लगाओ उसमें पैसे खर्च करो। अरे आके वाके फोड़ देंगे वो रोना। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, अभी मैं जा रही हूँ, चलो बाय करो। एक्सटेंशन का चलता है बेटा, नेल वाला ये मत करो। मेरे ना स्कूल के बच्चे आपकी बहुत तारीफ करते हैं, मुझे बोला करेंगे कहाँ से अपने होटल से मुंह सुजवा के ले आई है, मत करो। होटो पे नहीं करवा रही है, मम्मी अगर किसी चीज के लिए बोल देना किसी को भी, पापा को मुझे गुनगुन को, ये चीज अगर हो गई ना तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तो हम सारे डर जाते हैं, हम कोई काम नहीं करते ऐसा। पर ये आज मैं पहली बार मतलब ऐसे उनको अपोज करके जा रही हूँ कि नहीं मुझे जाना ही, और ऐसे मैं बाय करके मुझे अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी, बट ठीक है प्रैंक है, प्रैंक ही तो कर रही हूँ, असलियत में थोड़ी ना कर रही हूँ। तो अभी ये मैं ट्राई करती हूँ, और मम्मी को 1% भी डाउट नहीं है कि ये प्रैंक हो सकता है क्योंकि मैं व्लॉग कर रही हूँ, और मम्मी को ऐसा पता ही नहीं है क्योंकि मैंने हमेशा बोला मम्मी मेरे से प्रैंक प्रूव नहीं हो सकते, नहीं मैंने आज तक अपने चैनल पर करा, तो उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है प्रैंक चल रहा है क्या चल रहा है, बट उनको ऐसा लग रहा है कि शायद इतनी बेवकूफ़ नहीं है, अभी मजाक कर रही है पर ना करवा गया है। बट इसको मैं सो जाऊंगी ताकि थोड़ा तो डिफरेंस लगे, उनका रिएक्शन तो देखें कैसा है। तो फटाफट से अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं यार देखना खौफ देख रही हूँ, हल्का से गेट खुला मैं डर के आ गई, वो पूरा जो होता है ना ऐसे से सक्शन बनाने में, और लिप्स की आउटलाइन करवा के आऊंगी, बट मुझे 1 घंटा वेट करना पड़ेगा तब मैं ऊपर आऊंगी, नहीं तो इनको शक हो जाएगा खुद करके आई है। सो लेट्स गो। चलो जल्दी से देखते हैं क्या होता है। नई भूतरी बनी हुई थी, बहुत अच्छी लग रही थी, इधर आके बैठो आप, इधर जल्दी आओ।
कह रही पहले बता तो सही मुझे क्या करना है, इधर बैठो। तो ये है मेरी प्यारी सी आंटी। तो आंटी अभी पता मैं क्या करने वाली हूँ जी, मैं मम्मी के साथ एक प्रैंक करूँ, मम्मी को नहीं पता मैं आपके घर में नीचे आई हूँ। ओके ठीक है। और ये ना होट जैसे आपने देखे काइली जेनर का नाम सुना आपने? नहीं सुना? नहीं सुना। आपने देखे लड़कियों के इतने मोटे मोटे होट हो जाते हैं, वो मुझे करना है अभी इसकी हेल्प से। और फिर मम्मी का रिएक्शन देखना। मम्मी ने मुझे बहुत गालियां सुनी, मम्मी ने बोला अगर तूने ऐसा कराया तो तेरे को घर में नहीं घुसने दूंगी, हम तेरे साथ है, कुछ नहीं कहेंगे। और आपको पता है क्या कर रहे हैं, अभी आप ऊपर चलोगे ना तो आपको बोले कितनी तो अच्छी लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है नानू की मम्मी, तो बहुत अच्छी लग रही है, मैं भी करवाऊंगी ऐसे करके बोले। ठीक है चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हो रहे हल्के से पड़ेगा 10-15 मिनट। हाँ, और मेरे अगर परमानेंट ही हो गए आंटी ऐसे तो ऐसे बहुत ज्यादा लग रहे। मम्मी आप तो ना ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया आंटी, चुप रहो यार, इतना भी मत बताओ, मेरी थूक निकल रही है इसमें पक्का। और जैसे कह रही क्रीम व्रीम लगा के जाइए, क्रीम लगाते ही है। पूरी प्रैंक करे आंटी कह रही। हाँ छुपी हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी मम्मी आ गई। ये गंदा कुछ नहीं लगेगा? और अगर मेरे को वीडियोस वगैरह बनानी होती मैं रोज तुम्हें कैसे समझाऊंगी हर वीडियो में कि ये कुछ गलत नहीं है, ये है। ये है और खिंच गए जैसे मैंने हंसी ना मैं अंदर और सेक्शन में तो मेरे पापा लग रही हूँ मैं रौनक नहीं लग रही। जाती तो आपकी ऑलरेडी डार्क थी ना, तो इसके बाद आप थोड़ा सा लाइक पिगमेंटेशन सही करा लेना अपना, हम कलर फिल बोलो ऐसे करके। हाँ तो बोली दर्द हो रहा है ना ऐसे नहीं, मैं बोलूंगी हाय मामा। टेप लगा भी ऐसे कह रही, टेप भी लगा ये देखिए मेरे को पूरा मम्मी बना रही है। टेप लगा बोली लगाऊं? हाँ, नहीं ऐसा मत लगाओ कुछ इससे ना, और थोड़ा सा लाल और कर दे थोड़ा थोड़ा ऊपर, ताकि मेरी मम्मी को बिल्कुल डर जाए मेरी मम्मी। यार मैं पहली बार ऐसा कर रही हूँ, अगर मैंने प्रैंक के चक्कर में मेरे को दो चाटे मार दी खिंचा के और तब मेरी जुबान अपने आप चलेगी। रौनक आइयो, ये 500 रुपए में लिप फिलर्स करा के आइए पापा लोकल सलोन से। लोकल ही है? और अब मुंह छुपाई फिर रही है। अंकल जी बताओ कैसा लग रहा? अच्छी नहीं लग रही है ऐसे? आपको सही नहीं लग रहा है? अच्छा करा के अंकल को तो सही लग रहा है, पहले अच्छा लगता था। अंकल अभी अच्छा लग रहा है, बात इतना कर लिया मोटे अपोर्ट करवा कर आई है, हंस रहे देख ले तो उसका पार्ट लग रहा है। हेलो आंटी एक बार नीचे आना। क्या हुआ? ये रौनक क्या करा के आई है देखना जरा इसको आके एक बार। आ गई है? इसका हाल देखो एक बार आके, आज तो मैं बोलूंगी आज इसकी पिटाई करो आप। 500 रुपए में देखना है क्या करा के आई है, तो पूछे बिना वो भी पागल हो गई है, पागल हो गई है सच्ची। अरे इस उल्लू को मैंने ना पहले ही बोला था कि बदतमीज मत, पूछा भी नहीं मेरे से एक बार, कम से कम पूछ ही लेती मेरे को नॉलेज है 500 रुपए में कौन सा बेवकूफ है जो लिप दिमाग खराब हो गया। पानी ले, चुप हो जाओ, या तो पहले बनवा ले तो पहले कर उसकी मम्मी से। आपसे सलाह ली इसने? होट देखना पूरे सुना रखी इस लड़की ने, इन्होंने भी डांटा कह रही इससे अच्छी तो तू पहले लगती थी। इसको तो मजा आ रहा है आंटी, तो खुश है, डांटा इसको पागल है तेरे। मेहनत भी रो रही है, मेहनत भी रो रही है, अंकल देखने वाला हाल होगा तो दिखाएगी ना, इतना बुरा हाल कर रखा है पता है। यहाँ यहाँ तक और इतना अनइवनली करा है जिसकी कोई हद नहीं है। दिखा तो सही, दीप्ति भी रो पड़ी, आवाज से उठकर आ गई, इसके रोने लग गया। दिखा मुझे एक बार, दिखा सोई हुई थी दीप्ति भी। ये क्या रोना? बहुत ज्यादा सुझा लिया और बहुत ज्यादा कह रही 2-4 दिन रहे। ये दिखा मुझे एक बार, तो दर्द हो रहा है सुझे यार रोना। अच्छा नहीं रह गया, ये इतना क्या हो गया तुझे? ये सक्शन बनाया था ना पूरा ऐसे करके, निकाल के फिर 3 इंजेक्शन लगा दो नीचे। इंजेक्शन लगवा कर अभी शाम को जाना है क्या? पहले मुझे नंबर दे इसका। ऐसे मत करो यार, ऐसे मत करो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ऐसे मत करो, थप्पड़ मारो मम्मी को। चुप, वो दूसरी है, वो दूसरी यार, वो दूसरी शाम को जाना शाम को। ये क्या करवा लिया तूने यार? तुम तो खतरा दिमाग खराब कर रखा है मेरे घर वालों भैया। ये तो आंटी हंस क्यों रहे हो? हंस क्यों रहे हो? ये प्रैंक के लिए यार, मम्मी के हाथ में मम्मी अभी मम्मी चढ़ा ली, ये प्रैंक था, इसकी होड़ दे भाई तेरी एक्टिंग नहीं मम्मी की एक्टिंग। आंटी भाई ना, अंकल अभी तक नहीं आते हैं।
सक्शन क्रिएट किया था ये पूरा हो अब इस पे ना पिट जाओ मम्मी सुनो ये पर चला जाएगा तूने पता है कितनी बड़ी गलती की है ये तुझे पता है कितनी बड़ी मेरे को एक बार प्रैंक करना था यार लाइफ में एक ही बार तो करा है पर ये देखो अभी क्या हो गया शर्म नहीं आ रही तू तो इस तरह से हार्ट अटैक करके मार दे बंदे को आइस लगा ले मुझे अभी दिखता है हट जाएगा 5 मिनट में भी हटता हट जाएगा 2 मिनट लगाया आंटी कह रही है मैं खेली हुई खिलाड़ी हूँ 2 मिनट लगाया यार मैंने नहीं लगाना है ज्यादा देर नहीं लगाना चाहता नहीं है बहुत टाइम तक मैं तो क्लास से करने का सोची पागल है मना किया क्लास से पागल है क्या गाइस ये प्रैंक के चक्कर में कर तो लिया पर ये अभी चला जाएगा कैसे जाएगा ये मैं तो मिल भी नहीं सकती यार किसी से आज तो मेरे मुंह पे लात मारता चढ़ के जूते के साथ कुछ नहीं होगा ऐसे मत बोलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड आपको ये नहीं लगा कि ये नकली है मजाक चल रहा है अरे पागल पता है जो हालत हो रखी थी ना नीचे उनकी तेरे मोटो की हाँ मुझे लगा मैंने कहा यार इसने गड़बड़ कर दी कुछ पागल ने वीडियो बना ली मैंने सोचा मैंने कहा यार ये तो वैसे से मार बैठ के यही रोक लेती तो बढ़िया था अभी भी ये सक्शन है यहाँ पे ये कब तक जाएगा हिम्मत है तेरे अंदर बहुत भूखी पट्टी है सच में गोली दे रही है तनु दीदी देखना यार रोड पे क्या क्या बोल रहे दोबारा बोलना तेरी ये बोल रहा तेरी इज्जत नहीं करता कोई दर में दरा थी अगर तेरे साथ इज्जत से पेश आए तो हमारे सर पे चढ़ जाए पहलू मैंने कहा ये पहलू मैं कह रही हाँ ये पहलू बिना प्रेस का आपने बोल रही थी चेक कर रही थी कि तू हाँ बोलती आप मेरे से क्यों पूछते हो फिर क्यों पूछ तू नहीं पूछती मेरे से आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है ना कि आपसे पूछूंगी मैं आगे से पूछो मैं कहूंगी जो मैं दूंगी तुझे प्रेस कर करके चलो मम्मी बाय तो कर दो आपने एक बार भी बाय नहीं करा बाय कर दो बाय तो कोई भी जेब ढूंढ ले सब में से पैसे निकलेंगे तू पैसे कितने पैसे मिले ओए 200 रुपए मेरे अच्छी बात तो है मम्मी ने यार 200 रुपए मम्मी मेरे मम्मी मम्मी यार मेरे 200 रुपए लेके भाग रही है चोर मम्मी बाहर मत जाओ मम्मी मक्खी आ जाएगी मम्मी 200 रुपए दे दो मेरे पैसे वापस करो अपने निकल पैसे दो मेरे मम्मी यार क्या मम्मी नहीं इधर दे दो मम्मी मेरे नहीं मैंने उधार मांगा अरे मेरे हैं वो अरे मैंने कर्जा ले रखा है लोगों से दे दो ना मम्मी जब तू कपड़े बदल रही होती तब क्यों नहीं चेक करती धुल भी गए मशीन में से भी आ गए हैं तेरे 200 रुपए हैं वो डांस करके चलाए जी पसी आए आज तो पूरी बॉम्ब में